10/9/2023 को महाचास महामंडल के द्वारा हमारे मंडल चास मंडल का दारुका नगर में संपन्न किया गया, जिसमें हमारे चारों सदस्यों का चुनाव हुआ। मंडल, नवयुवक मंडल, महिला समिति एवं मंदिर कमेटी का सर्वसम्मति से सभी का चुनाव हुआ, जिसमें मैं सचिव पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया। मंडल में महामंडल आपके द्वार कार्यक्रम हुआ, जिसमें मैं सचिव पद के लिए पूर्ववत रहा और अन्य तीन चारों विंग्स का चुनाव हुआ, ताकि समाज का कार्यभार गतिशील रूप से काम कर सके। और इसी की कामना के साथ हम उपस्थित। सबसे पहले तो मैं अपने कुल देवी माँ मथुरासिनी का जयकारा लगाना चाहूंगा। प्रेम से बोलिए माँ मथुरासिनी माता की जय। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी पिछले कई वर्ष तक अध्यक्ष रह चुका हूँ समाज के लिए, लेकिन मैं खुद अपने लिए एक जिम्मेदारी लेके चला हूँ, जो कि मंदिर कमेटी का चयन हुआ, जिसे मैं सचिव पद के लिए बोला गया। और सबसे बड़ी ये बात है कि मैं मंदिर और धर्मशाला बनवाने के लिए सबसे बड़ा योगदान मतलब ले चुका हूँ। और सबसे बड़ा खुशी की बात है कि जो इस बार हम लोग पूजा होगी माँ मथुरासिनी की, वो अपने धर्मशाला और अपने मंदिर में होगी। जय माँ मथुरासिनी। जय माँ मथुरासिनी। आज हम लोग महामंडल आपके द्वार कार्यक्रम पंचवटी मैरिज हॉल चास में किए, जिसमें हम लोग चारों विंग्स का चुनाव किए। नवयुवक कमेटी का अध्यक्ष मुझे पुनः चुना गया, जिसके लिए मैं अपने समाज के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो मथुरासिनी माँ का मंदिर है वो बहुत अच्छा बने और हमारा समाज एकजुट हो और हम लोग आगे बढ़ेंगे। माँ मथुरासिनी की जय।